गूगल प्ले स्टोर पर नकली एप्स को लेकर पूरे साल कई जानकारियां सामने आई हैं। इस साल की शुरुआत से ही कई रिपोर्ट में फेक एप्स के बारे में चेतावनी जारी कर दी गई और भारी संख्या में एप्स को प्ले स्टोर से हटाया भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग एंड्रॉइड का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में फर्जी एप्स को लेकर एक और चेतावनी जारी कर दी गई है। ग्लोबल आईटी सिक्योरिटी फर्म क्विक हैल टेक्नोलॉजी के रिसर्च ने गूगल प्ले स्टोर में कुछ नकली ऐप ढूंढे हैं जो लोगों को धोखे से दूसरे ऐप डाउनलोड करने और उन्हें रेटिंग देने के लिए कहते हैं। क्विक हिल टेक्नोलॉजी की एंड्रॉइड मालवेयर एनालिस्ट रूपाली पराठे ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि ये ऐप पीडीएफ रीडर, पीडीएफ डाउनलोडर और पीडीएफ स्कैनर जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में ये इस तरह का काम नहीं करते। इन फेक ऐप को प्ले स्टोर से 50,000 से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। ये एप्लीकेशन यूजर्स को ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते थे, साथ ही ऐप को अनलॉक करने के लिए इसे 5 स्टार की रेटिंग देने के लिए भी कहा जाता है। रूपाली पराठे का कहना है कि 24 घंटे के बाद फिर से यही प्रोसेस होता है, ऐप की रेटिंग करने के लिए कहा जाता है और 24 घंटे बाद सर्विस शुरू करने की बात कही जाती है। एक्सप्रेस यूके में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इन ऐप्स का मकसद डाउनलोड्स की संख्या बढ़ाना और स्पॉन्सर्स ऐप को अच्छी रेटिंग दिलाना होता है। पराठे ने कहा है, ऐसे फर्जी ऐप को डाउनलोड करने से पहले यूजर्स को सावधानी बरतनी चाहिए। यूजर्स इन ऐप का रिव्यू पढ़कर आसानी से उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल हेल्थ एजेंसी ने भी हाल ही में लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी साझा करने वाली फर्जी वेबसाइटों की सूची जारी की है।